और वो लड़का हमको 2 साल रखा शादी करके। दिल्ली में हम रह रहे थे दोनों, बहुत खुश थे, ले जाएंगे तो मेरा पापा मर जाएगा, मेरा पापा मर जाएगा। उसके बाद में उसने बोला कि तू मर जाएगा मेरा पापा तो तू वहाँ जाके रोएगी। कि मम्मी बोली कि बेटा आने दो, 10 दिन के लिए आएगा मेरा बेटा, फिर चला जाएगा बोला। फिर उसका मम्मी भी बोली कि नहीं शादी कर लिया है हमारा बेटा, हमको भी पता चल चुका है। मतलब गूगल में सर्च किए और वो लड़का का डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड सब कुछ है और मेरा वीडियो वीडियो बहुत सारा बना के रखा है। तो हम कोर्ट में बोले थे शादी करने के लिए, तो उसने नहीं किया। आजकल बोल के उसने मतलब समय टालते गया। इसी तरह की लड़का दूसरी शादी कर रहा है, इसलिए हम आए हैं ये थाना, पीरी बाजार थाना में। नाम हो आपका? सावित्री कुमारी। कहाँ घर है? छत्तीसगढ़। क्या मामला आपका? बस एक बिहार का लड़का से हमारी शादी हुई थी। अच्छा, कहाँ बिहार में? कहाँ? अभयपुर का लड़का है। क्या नाम है? कुमार पांडे है। अच्छा, पिता का नाम? उसका पापा का नाम है प्रभात रंजन पांडे। अच्छा, ठीक है। और उसका भैया का नाम है कन्हैयालाल पांडे। उसका मम्मी का नाम है मुनी देवी। और वो लड़का हमको 2 साल रखा शादी करके, ठीक है। कहाँ कहाँ? दिल्ली में हम रह रहे थे दोनों, बहुत खुश थे। उसके बाद में लड़का ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ नागपंचमी में, बोला ठीक है। उसके बाद में हम भी बोले कि चलो हमको साथ ले चलो, ठीक है। तो उसने बोला कि हम नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे तो मेरा पापा मर जाएगा, मेरा पापा मर जाएगा। उसके बाद में उसने बोला कि तू मर जाएगा मेरा पापा तो तू वहाँ जाके रोएगी या क्या करेगी, ठीक है। तो हम वो भी मान गए। फिर लास्ट बार 14 तारीख को, जैसे कि जुलाई में मतलब 14 तारीख को उसकी मम्मी से हमारी बात हुई थी, ठीक है। और उसकी मम्मी बोली कि बेटा आने दो, 10 दिन के लिए आएगा मेरा बेटा, फिर चला जाएगा बोला। फिर हम बोले कि ठीक है मम्मी, मतलब वो आएगा तो सही है, हम साथ में ही रह लेंगे। तो उसका मम्मी भी बोले कि नहीं शादी कर लिया है हमारा बेटा, हमको भी पता चल चुका है, ठीक है। तो हम बोले कि नहीं मम्मी आ जाएगा तो सही है, नहीं तो हम भी आ जाए। तो उसने बोला बेटा अभी रुक जाओ, यहाँ हमारे भी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत कोई ऐसे है ना, ऐसे बोले। तो हम सह गए और इतना दिन हो गया, देखो अभी तक तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसीलिए मतलब गूगल में सर्च किए और वो लड़का का डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड सब कुछ है और मेरा वीडियो वीडियो बहुत सारा बना के रखा है। और वो लड़का मेरे से मंदिर में शादी किया था, ठीक है। तो हम कोर्ट में बोले थे शादी करने के लिए, तो उसने नहीं किया। आजकल बोल के उसने मतलब समय टालते गया, ठीक है। तो हम भी मान गए चलो सही है बोल के। अब इधर आके वो लड़का सिम सारे तोड़ दिया। उसका पापा को बड़ी कॉन्टेक्ट किए, ठीक है। अब उसका पापा को हमने कॉन्टेक्ट किया तो उसका पापा ने भी ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। वो उसका बेटा दोनों सिम तोड़ के फेंक दिया और यही धमकी देता है, जब तू बिहार आएगी तो तेरे को पेट्रोल जीव लग के जला देंगे। और इधर आके लड़का दूसरी शादी कर रहा है, इसलिए हम आए हैं ये थाना, पीरी बाजार थाना में। तो हम 3 दिन से यहाँ आए हुए हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम भी परेशान हो रहे हैं, क्या करें। हम एक लेडीज है, कहाँ जाएं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर।